नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज अपने स्टूडियो में बात करने वाले हैं आपकी जो CPCT की एग्ज़ाम हुई है 15-16 मई को, जो आपकी एग्ज़ाम हुई है CPCT की, उसका रिजल्ट कब तक आने वाला है। आप बेसब्री से चिंतित हो गए कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, हम स्कोर कार्ड कब तक डाउनलोड कर सकेंगे, ये सारी चीज़ें आपके मन में चल रही होगी। आपने ये तो देख लिया होगा कि आपकी टाइपिंग कितनी आ रही है, आपके नंबर कितने आए हैं। बहुत से बच्चों ने नहीं देखा होगा, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उन नहीं देख पाते हैं, जो रिपीटेड दे रहे हैं वो देख लेते हैं कि हमारी टाइपिंग कितनी आई है और नंबर कितने आए हैं। तो ऐसे आपने देख लिया होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि आप पास हो या फेल हो। बट एक होता है कि हाँ, रिजल्ट आ जाए तो स्कोर कार्ड में और चीज़ें यदि ऊपर नीचे होती है तो दिख जाती है। तो यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपका जो CPCT का रिजल्ट है मई में जो एग्ज़ाम हुई है उसका, वो कब तक आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना, उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इससे जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को बताया कि आपकी एग्ज़ाम हुई होगी 14-15-16 मई को, जो आपकी हुई थी, दो दिन आपकी एग्ज़ाम चली थी CPCT की। आपको जैसा कि बताया कि मध्य प्रदेश के हर एग्ज़ाम में लगभग ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में CPCT कंपलसरी हो गया है, तो CPCT आपको भी कर लेना चाहिए। यदि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको CPCT कर लेना चाहिए। ऐसे मत सोचिए कि बाद में करके दे देंगे, अभी आपके पास टाइम है तो आप करके रख सकते हो। तो CPCT आपकी हो गई है, तो अब उसके बाकी है रिज़ल्ट। नेक्स्ट अब जो CPCT है वो होने वाली है अगले महीने बाद, तो उसका जो रिज़ल्ट है, अब आपकी जो 15-16 तारीख को हुई है मई में, उसका जो रिज़ल्ट है मैं आपको फाइनली फिक्स बताता हूँ, वो आपको 5 जून के बाद आपको देखने को मिलेगा। मतलब लगभग 6 को मंडे है, 6 या 7 को आपका जो है रिज़ल्ट आपकी स्क्रीन पे CPCT की स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा और आप इजीली यहाँ से स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो CPCT का। उसमें आप देख सकते हो, यदि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके 37 आए, किसी के टाइपिंग में एक आधी इधर उधर हो जाता है, तो बहुत से बच्चे बोलते हैं ऐसा कि सर हमारा एक नंबर बढ़ गया। वैसे मैंने तो अभी तक देखा नहीं, बट जिनका बढ़ जाता है बहुत अच्छी बात है, बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है कि आप पास हो जाओगे, और जिनका नहीं बढ़ता है तो दुखी नहीं होना है आपको। नेक्स्ट फिर मैं अगले महीने होने वाली है, तो आप अच्छे से तैयारी पढ़िए, पढ़ोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप पढ़ो तो आपको नेक्स्ट अगले वाले महीने में निकाल लेना CPCT। कोई इतना बहुत बड़ी एग्ज़ाम नहीं है CPCT, आप 2 महीने भी पढ़ोगे तो वो CPCT आप क्लियर कर लोगे। कैसे करना है वो आपको मैं सब बता दूंगा। उससे पहले चैनल पर जो नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इस सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे से जुड़े रहोगे तो CPCT से आपको कोई रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। तो यही आपको बताना था, होप्स आपको चीज़ समझ में आई होगी। चीज़ समझ आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।